हैप्पी दिवाली गाइस, दिवाली स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। ओ ब्रखू कैसे वैक्स गिर जाएगी। ओ बहन चोर, वाई इतनी सो कॉम्प्लिकेटेड यार। पिछले टेक में वैक्स लेजिट नीचे गिर चुकी है। वैसे मोदी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर आप पूरा ना माने तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज थोड़ा तेज बोलिए यार, प्लीज इतना स्लो बट बोलिए यार। आप 0.5x पे इंडियन लाइफ कैसे बोल लेते हो यार, प्लीज यार थोड़ा तेज बोल लो, हमको लाइव देखना होता है आपकी स्पीच को, बाद में यूट्यूब पे 2x पे देखने पे मजा नहीं आता यार। तो तुम लोगों को तब तक पता ही होगा 5 अप्रैल को क्या था। 5 अप्रैल को थी दिवाली। तो मोदी जी ना बहुत बहुत हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल है, उनके ब्रेन में काफी मंथ्स की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। लाइक उनको पता है इंडियंस नहीं बचने वाले दिवाली तक, तो अप्रैल में ही मना लेते हैं अपनी लास्ट दिवाली। मोदी जी मेरे को पता है आप फेक न्यूज फैलाने वालों को अरेस्ट कर रहे हो, मैं मजाक कर रहा था मोदी जी, प्लीज डोंट अरेस्ट मी। तो मेरे को और तुम लोगों को पता था कि 5th को क्या होने वाला है। जब लास्ट टाइम भी जब उन्होंने कहा था तालियां बजानी थी, लोग बटन बजाने लग पड़े, लोग स्ट्रीट्स पे उतर आए, हमको पता था इस बार भी कुछ होने वाला है। तो पिछली बारी का मैं तुमको थोड़ा रिकैप दे दूं, पिछली बारी लोग सड़कों पे उतर आए थे, लोग डिशों पे मार रहे थे, लोग सिलेंडर पे मार रहे थे, और एक बंदा टीन की शीट पे मार रहा था। भाई तुम अलग ही ट्रिप पे है ये लोग। मैं तब तो ये अलग ट्रिप पे क्यों थे, ये अलग ट्रिप पे नहीं थे, ये जो रोड पे उतरे ना, ये बहुत एम्पैथेटिक लोग हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी है, ये हर किसी का भला सोचते हैं। अब मोदी जी तो ठहरे एंटी कोरोना, तुमको पता है यार मोदी जी नहीं एंटी कोरोना वो यार, है ना, तभी सारों को लॉकडाउन, ताकि कोरोना बेचारा अकेला रह जाए, बेचारा सैड हो जाए, हमारी खुशियां बनाने के लिए तो तारियां बजाने को बोल दिया, पर अब कोरोना क्या, कोरोना बैठ के रोएगा, फैंचुड उसको लॉकडाउन में रख दी है। तो लोगों ने सोचा उसको भी तो चेयर अप करना चाहिए, हमने तालियां बजाई अपने लिए, अपने को खुश करने के लिए, तो वो भी स्ट्रीट पे उतर आए यार, ताकि कोरोना को भी थोड़ी खुशी मिले। क्या प्रॉब्लम है, लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम थी भाई, तुमको हर चीज से क्यों प्रॉब्लम रहती है यार। इस बारी अलग ही चीज हुई, इस बारी हमको रियलाइज हुआ कि मोदी जी पोएटिक है। तुमको याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे पोएट्री, तो हमारे टीचर्स क्या कहती थी, ये लाइन में ये नहीं लिखा, तुम इसको लिटरली देख रहे हो, इसका एक और मीनिंग है। तो मोदी जी भी ऐसे बात करते हैं, उन्होंने एक बार कह दिया कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की खुशियां बढ़े, लोग जो डिप्रेस्ड एंग्जाइटी इतने सैडनेस है कोरोना के लॉकडाउन के कारण, ये ताकि डूब जाए, लोग थोड़ा खुश फील करें, थोड़ा यूनिटी फील करें, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये करना चाहिए। बट जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारे न्यूज़ वाले हैं, जो हमारे लाइक व्हाट्सएप पे अल्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने उसको डिकोड कर लिया यार। उनको पता चला कि इसमें बहुत डीप एस्ट्रोलॉजिकल लिंक है, बहुत डीप, इससे कोरोना मर जाएगा 2 सेकेंड में। वैसे कितने केस भरे हैं 6th को। अब आते हैं, मैंने वीडियो क्यों बनाई, असल में मैं तुमको दिखाना चाहता था कि लोगों ने इस बारी क्या क्या किया। सबसे पहले तुमको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया।
बहुत एपिक आई आई है, काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी, इसको लो पे कर देते हैं अभी वीडियो के लिए। तो अभी तो मेरे पास एक और मैंने लाइट यूज़ की, मेरे पास वो अभी नहीं है, तो मैं तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी, मैं तुमको वो दिखाता हूँ। झूठी नहीं बोल रहा मैं, सच में मैंने कैंपिंग लाइट, मैंने पोर्टेबल ट्यूब लाइट, मैंने स्पीकर पे साथ में वो भी लगाया था गो का रीमिक्स और भाजपा। यस यस आई डिड इट, आई एम नॉट जोकिंग, यू नो आई हैड टू डू इट। तो अब आओ देखते हैं और लोगों ने क्या किया, जो मैं तुमको कहा था कि इस बार भी लोग कुछ करेंगे, आओ वो देखते हैं उन्होंने क्या किया। भाई देख मेरी बात सुनो, फिर यार देखो, अगर हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो कोरोना भी तो डिप्रेस्ड फील कर रहा होगा ना यार, हमको हमारा निकलना ज़रूरी है स्ट्रीट पे उसके लिए यार। ये देखो ये निकले है ताकि कोरोना अच्छा फील करे, कितनी अपधी है यार अपने आप को खतरे में डाल के कोरोना को खुश कर रहे हैं यार वो। ओ भाई परफेक्ट से कि हर डिस्को चल रहा है यार यहाँ पे, गो कोरोना गो रिमिक्स बस रह गया था बजाना भाई, ये तो फुल वाइब कर रहा है भाई यहाँ पे, तो फुल डिस्को चल रहा है, फुल डिस्को नाइट, फुल मस्ती भाई। ये वीडियो में कोई पता कहाँ से है, लेट मी गेस, बंगाल से। भाई व्हाट द फक, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे को क्या फील करना चाहिए। वो डीजे का था दिया जला रहा अब। ये देखो एक और फिर निकले बाहर भरे हुए बहन। सुन मैम पहले मजाक कर रहा था, बट क्यों घर से बाहर निकल रहे हो यार। मोदी जी ने ये भी कहा था ना कि घर के अंदर बैठ के, वो नहीं तुमको सुनाई दिया एस्ट्रोलॉजी बहुत सुनाई दे गई यार तुम लोगों को, बहुत एपिक छूटी है इंडियंस, कुछ इंडियंस सारे नहीं, मैं भी इंडियन हूँ और आई एम वेरी मच ऑपोजिट। बहनचोद मोदी ने दिया जलाने को कहा था, तुम घर जला बैठे यार, घर नहीं जला रहा था भाई, देखो कुछ गलती लग रही है, घर नहीं जला रहा था वो, ये बैटमैन को बुला रहे भाई, बैटमैन कोरोना से नहीं बचाएगा, तुम बैटमैन को जितना मर्जी बुला लो बैटमैन नहीं बचाएगा कोरोना से। दिया जलाने को बोला था पटाखे चला दिए, वो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, दिया जलाने को बोला था बंदा अपने आप को लाइट अपने आप पे लाइटें लगा के बाहर निकल गया, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है यार। लोगों को घर में बैठ के दिया जलाने को बोला था, वो बाहर आके दिया जला रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। लोगों को दिया जलाने को बोला था, लोग अपना घर जला रहे हैं, वो भी यार चलो चलो बहुत एंड बहुत मतलब पर एक्सेप्टेबल है। दिया जलाने को कहा जाइए भाई, गोलियां मार रहा है, मेरे पास कोई कुछ कहने को भी नहीं है यार इसमें, मतलब क्या गोलियां क्यों मार रहा है। बस यार मेरे पास और कॉमेडी नहीं है आज के लिए, और मैं 2-3 वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, शायद वो अच्छी बने, शेयर कर देना यार मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, सब्सक्राइब लाइक शेयर, क्योंकि मेरे को व्यूज़ चाहिए बहन चोद। ऐसे टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी तक एक चीज़ समझ नहीं आ रही, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई यार इसके बीच में, भाई एस्ट्रोलॉजी कहाँ से लिंक ले आई यार, इसके लिए भी कितना हाई आई क्यू चाहिए तुमको के बिल्कुल अनरिलेटेड बात से अपना फायदा निकाल लो, कितना हाई आई क्यू चाहिए।